हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेशन। गाइस, यहां पर हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज यहां पर आ रही हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स कब तक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरसी ग्रुप डी की जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो भी जारी कर दिया गया है। तो यहां पर एक प्रश्न ये उठता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम पहले होगा या आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम पहले होगा। इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो आपके लिए बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट्स के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल है। यहाँ पर आप लोगों को देखिए बताया गया है ये आपका यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये इसमें 100% सत्यता है, और ये तो आगे ही पता चलेगा जो ये डेट यहाँ पर बता रहे हैं एडमिट कार्ड जारी होने की, इसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितनी सत्यता है। ये आपका इस डेट में आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्ज था कि आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हैं हमारे पास, और मेरे पास अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं यही सोचता हूं कि आप लोगों तक उस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पहुंचा दिया जाए। अब चूंकि ये इंडिया टीवी की साइट है और यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ये वही जान सकते हैं कि इसमें इस न्यूज़ को जो इस न्यूज़ आर्टिकल को छापने में उन्होंने कितनी सत्यता पर की है और कितना यहाँ पर ये सही हो सकता है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को यहाँ पर ये जानकारी दे दूँ कि इन्होंने यहाँ पर क्या बताया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी एनटीपीसी में आवेदन करने वाले लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार अगस्त के पहले सप्ताह में खत्म हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए साफ साफ इन्होंने बताया है कि अगस्त के पहले सप्ताह में ये इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम की तारीखों का ऐलान करेगा। तो इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले सप्ताह में यहाँ पर इंतजार खत्म हो सकता है और ये तारीखों का यहाँ पर ऐलान कर सकता है। तो दोस्तों, ये तो मैंने अपने वीडियो में आपको बताया भी है कि आप अगस्त मिड अगस्त तक इंतजार करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है ये कब तक होने के चांसेस हैं, ऐसा यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अगस्त में जारी किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए एडमिट कार्ड अगस्त में जारी किए जाएंगे। तो ये देखना होगा कि यहाँ पर इनकी ये न्यूज़ है इसमें कितनी सत्यता है। जहाँ तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगस्त में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है कि इसकी परीक्षा थोड़ा सा लेट हो सकती है। लेकिन चलिए देखते हैं, यहाँ पर इन्होंने न्यूज़ आर्टिकल में बताया है कि परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अगस्त में जारी किए जाएंगे। तो अगस्त नेक्स्ट मंथ है, देख लेते हैं कब तक यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, नहीं किए जाते हैं, कितनी सत्यता है इस न्यूज़ में। तो ये यहाँ पर बताया गया है, आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड जारी होने के बाद अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर डाउनलोड कर सकेंगे। भारतीय रेलवे बोर्ड एनटीपीसी के जरिए कुल 35,208 पदों पर भर्ती यहाँ पर करेगा। भारतीय रेलवे की तरफ से इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन सीबीटी 1 सीबीटी स्किल टेस्ट और ये सारी चीज़ों के बाद यहाँ पर किया जाएगा। ये बाकी चीज़ें आप लोग यहाँ पर जानते ही होंगे। तो ये यहाँ पर न्यूज़ है जो कि इंडिया टीवी के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई है। अभी देखना ये होगा कि इस न्यूज़ में कितनी यहाँ पर सत्यता निकल कर सामने आती है। तो दोस्तों, ये थी यहाँ पर अपडेट्स। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।